उनको जो है ना वो हम सारा डिस्कस करेंगे, तो वो डिफरेंट अनोमलीज जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। और इसके अलावा एक और इशू जो है कि सिक्योरिटी के और एक्सेस के इश्यूज हो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये चाहते हैं कि जो डाटा है वो सिर्फ उसको सिर्फ ऑथोराइज यूजर इसको एक्सेस कर सके, उसको कोई अनऑथोराइज यूजर जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जो है इस चीज़ को एक एक मतलब एक सिंगल पॉलिसी के तौर पे, अभी अगली स्लाइड में जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल्स से जो है ना बताता हूँ कि क्या है, तो वो इश्यूज भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल बेस है ये उसका थोड़ा सा बाकी, उसकी मैंने आपको काफ़ी वो इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसकी जो थोड़ी फॉर्मल डिटेल्स हैं वो देखेंगे। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विस फॉर द एंड यूजर, प्रोग्राम डिफाइन एंड मैनेजेस इट्स ओन डाटा। तो हर प्रोग्राम का अलग से डाटा, तो उसकी वजह ये कि फाइल अलग है। तो ये अगर आप सॉरी ये देखें, अगर आप यही है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये शो किया है कि ये दो दो एप्लीकेशन हैं, एक सेल्स के लिए, दूसरी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और ये बेसिकली सेल्स की फाइल है। आमतौर पे जो फाइल्स हैं या रेपोजिटरीज हैं उनको इस तरह से इस सिंबल से जो है ये फ्लो चार्ट्स में इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है। तो ये इनके जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड है तो इसलिए जो है ना वो सारी ये हैंडलिंग जो है ना प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो हो रही है। अब ये होता है कि जो भी एंड यूजर है वो डायरेक्टली इन फाइल्स को एक्सेस तो नहीं कर सकता, लेकिन इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो, जैसे आपको बताया कि फ्रंट एंड होता है तो उसके जरिए डाटा एंट्री या रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी जो है वो इसके थ्रू जो है वो करता है। ये जो हिस्सा है ना इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द फ्रंट एंड। ये वाला हिस्सा जो है दिस इज सम काइंड ऑफ, आप इसको मिडल लेयर जो है वो आप कह सकते हैं। और ये जो फाइल्स है ना ये एक्चुअली इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम जो है वो बैक एंड जो है वो कह देते हैं। अच्छा, तो ये बैक एंड पे सिर्फ फाइल्स होती हैं, यूजर इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। अब अगर हम इसकी डिटेल में देखें कि क्या क्या डाटा है, अगर हम उसको देखें तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो सिनेरियो है वो ये है कि ये कोई कंपनी है जो कि तो प्रॉपर्टीज रेंट पे देती है। तो उसमें उन्होंने दो तरह के रखे हुए हैं कि जो एक वो हैं जो अभी उन्होंने रेंट पे देनी है, और एक वो प्रॉपर्टीज है जो ऑलरेडी रेंट पे हैं और उनका उनके पास जो है वो मौजूद है। तो अगर आप देखें जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर है, स्टेट, एड्रेस, पोस्ट कोड, टाइप, रूम्स, रेंट, इस तरह से ओनर नंबर, ये चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी ओनर है तो उसका ओनर नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। क्लाइंट है जो कि रेंट पे लेना चाह रहा है, क्लाइंट नंबर 5, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन, रेफरेंस टाइप, मैक्स रेंट कितना, ये सारी है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें जो वो रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर आप ये देखें ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट है और ये भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, ये दोनों ये आप समझ लें कि इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ टेबल। जिस तरह से एक टेबल होता है एक्सेल में, एक टेबल है और यहाँ आप वर्ड पे वो टेबल बनाते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है प्रॉपर्टी फॉर रेंट का और इसमें कॉलम्स हैं। और जिस तरह से ये पहला कॉलम है प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी नंबर का, फिर स्ट्रीट का, सिटी का, और ये सारे जो हैं ये जो फील्ड्स हैं इसको हम फील्ड्स कह देते हैं या कॉलम्स कह देते हैं या एट्रीब्यूट्स जो है वो कह देते हैं। डिफरेंट नेम्स के लिए यूज होते हैं लेकिन एक्चुअली ये एक चीज़ है, दीज आर नो डिफरेंट थिंग, दीज आर दी सिमिलर थिंग। तो इस तरह से ये कॉलम होगा। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स को अगर आप कंपेयर करें जो डाटा हम सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, रेंट, तो कुछ हमने यहाँ पे, अब देखें कि जो इसमें यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हमने उसको बिल्कुल ही हमने उसको कर दिया। इसी तरह से क्लाइंट में भी देखें कि क्लाइंट में यहाँ पे इस टेबल में और इस टेबल में जिन जिन फील्ड्स को या जिन एट्रीब्यूट्स को हमने स्टोर किया है वो डिफरेंट है। तो अब ये बेसिकली क्या है कि ये इसकी वजह से क्या हुआ कि ये डाटा सेम ही है। एक तो ये है कि ये रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि इसको इसको अलहदा से एक फाइल में मेंटेन करें, इसको अलहदा से मेंटेन करें। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये रिडंडेंट हो रहा है। रिडंडेंट का मतलब ये होता है अगर आप इसकी जो है ना वो जाके डिक्शनरी में जाके इसकी देखें इसका मीनिंग क्या होता है, तो वी कॉल इट अननेसेसरी रेपिटेशन हम इसे कहते हैं। एक होती है जो रेपिटेशन किसी पर्पज के लिए रेपिटेशन होती है, दैट्स गुड। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये ओनर नंबर देखिए और यहाँ पे भी ओनर नंबर है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं।
ये रेपिटेशन हो रही है लेकिन ये पर्पस है उसकी, सर मकसद कुछ वगैरह क्या बच्चे है मीटिंग में हैं तो उनको इन कर लें। बेटा, वो अपने ऑफिशियल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उनको किसी मेरी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपना ठीक है ऑफिशियल सर। ईमेल जो है ना वो उससे आ रहे हैं। तो वो उसमें ये है कि ये जिस तरह से ओनर नंबर है तो ये हमने रिपीट किया हुआ है, तो इसका इसका जो है वो इसकी जो रीज़न जो वो ये है कि वो हम इसको क्योंकि लिंक करना चाह रहे हैं ना इन दोनों टेबल्स को, तो दिस इज़ नॉट बैड, ये ओके, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ये देखें कि यहाँ पे ये टेबल है और यहाँ पे ये टेबल है और ये दो दो जगह पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर उसमें ये है कि कंसिस्टेंसी भी नहीं है इनमें, आपस में कोई मैच भी नहीं है, कुछ फील्ड्स यहाँ पे हैं कुछ फील्ड्स यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी भी नहीं आ रही। और अगर फर्ज करेंगे अगर आपकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कोई चेंज होती है तो अगर आप देखें तो वो चेंज आएगी तो पूरी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और उसको फिर आपको उस इस टेबल इस फाइल में जाके, ये कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में जाके फिर आप उसको सारी मैनुअल आपको एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो है ना ये सबसे बड़ा इसमें जो है रिडंडेंसी आ रही है, दूसरा इसमें इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, और फिर ये कि एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, रेपिटेशन जो है ना वो अननेसेसरी रेपिटेशन जो है वो करते जा रहे हैं। तो ये इसके इसके जो है ये इश्यूज हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो इस तरह ये एक और सिनेरियो है कि यहाँ पे एक ऑर्डर्स का डिपार्टमेंट है, एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, एक पेरोल का डिपार्टमेंट है, और ये अपना अपना जो है ना ये क्या कर रहे हैं कि अपना अपना जो डाटा है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से इन्होंने देखे कि कस्टमर की फाइल बनाई हुई है, इन्वेंट्री की फाइल बनाई हुई है, ऑर्डर की फाइल बनाई हुई है, और इसी तरह से यहाँ पे भी इन्वेंट्री के इधर भी कस्टमर की फाइल है, ये रिपीट हो गई है, देखें कि यहाँ पे भी वही फाइल है और इधर भी वही फाइल है, और इस तरह से एम्प्लॉय की फाइल है। अब इस तरह के सिनेरियो में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अगर कस्टमर में की इंफॉर्मेशन में चेंज आती है तो चूंकि ये एक 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 तरह से एक यूनिफाइड नहीं है, और यहाँ पे और फाइल है यहाँ पे और फाइल है, तो और इन प्रोग्राम्स का आपस में कोई लिंक भी नहीं है, जैसे आप देखें ना कि कोई किसी तरह का कोई लिंक जो है इनके दरम्यान में नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि ये जो है अगर कोई अपडेट करते हैं या कोई चेंज करते हैं तो उसकी वो जो है वो यहाँ पे आपको फिर उसको अलग से उसको देखना पड़ेगा, बिल्कुल उसको सेपरेट आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे भी कस्टमर का डाटा जो है चेंज करें। अदरवाइज क्या होगा कि उसमें फर्ज करें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया, ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद आपने उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया कि वो उसको जो है वो उसको जो है उसमें जो है ना वो उसको बिल कर बिलिंग करें जो भी वट है वो जो भी करें। अब सपोज करें कि कस्टमर का एड्रेस जो है वो चेंज हो गया, वो आके जो है ना यहाँ पे ऑर्डर वालों को कहते हैं जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया अब अपडेट करना, वो कहते हैं ठीक है जी वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो अपडेट नहीं होता, तो उससे फिर क्या होगा कि अब वो अकाउंटिंग वाले उसको बिल भेजेंगे, उस तक तो पहुंचेगा नहीं क्योंकि उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो गया या उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो चेंज हो गया वो। इस तरह से इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं और आपका सिस्टम ओवरऑल क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। तो इसका जो सलूशन है, इस तरह के जो इस इन सारी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ये है कि हम ऐसे करें कि हम इसको जो है बजाय कि इस तरह से अलग अलग फाइल्स के जो है ना वो इनको स्टोर करने के, हम इनको क्या करें कि हम इनको एक ही डेटाबेस के अंदर जो है या एक एक सिस्टम के अंदर इनको सबको जो है वो इकट्ठा कर दें, यहाँ पे इस तरह की रेपिटेशन ना हो, ये जो जिस तरह की ये है कि ये टेबल हो रहा है ये टेबल हो रहा है ये फाइल हो रहा है ये फाइल हो रहा है, इस तरह से जो है वो ना हो, वो सिनेरियो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें डुप्लीकेट डाटा ये इसमें बताया, तो अब इसमें इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ मैं आपको यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन है। अभी जिस तरह से ये लास्ट स्लाइड में भी बात की थी कि इन प्रोग्राम्स का आपस में जो है वो कोई कोई इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, इनका कोई आपस में जो है वो लिंक नहीं है, तो एक तरह से बिल्कुल ही आइसोलेटेड, एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो आइसोलेटेड है। दूसरी चीज़ है कि डुप्लीकेशन है, वो हमने यहाँ पे बता दी कि ये देखें ये सेम डाटा जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डुप्लीकेट हो रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, तो हमने ये फाइल बेस्ड अप्रोच की ये बात की थी कि दीज आर एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि अपना डाटा मेंटेन कर रहे हैं, और वो उसमें क्या होगा कि अगर डाटा के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आती है तो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें प्रोग्राम में भी चेंज करनी पड़ती है। तो अगर लेट्स से कि अगर आपको कोई नई नई फील्ड उसके अंदर ऐड करनी है या कोई फील्ड रिमूव करनी है कोई चेंज करनी है तो आपको अकॉर्डिंगली उसके जो प्रोग्राम है उसमें भी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये ना डिपेंडेंसी आ जाती है कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के जो प्रोग्राम है डाटा वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। फिर फिक्स्ड क्यूरीज होती है क्योंकि अब आपके पास जो डाटा है आप उसी में से कर सकते हैं, उसके अलावा
अब फर्ज करें कि यहाँ पे जो है ये ऑर्डर डिपार्टमेंट है, तो ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है वो अब एक कस्टमर है, मैं आपको एक सिनेरियो जो है वो बताता हूँ कि उनके पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी ये मेरा ये जो है ना ऑर्डर करें। अब वो क्यूरी करते हैं कि इस बंदे ने पहले कोई ऑर्डर दिया हुआ है, तो उनके पास क्यूरीज आ जाती है कि हाँ जी इसने ऑर्डर जो है वो दिए हुए हैं। तो लेकिन क्या वो कस्टमर जो है वो रेगुलर पेमेंट करता है, क्या वो कोई बिलिंग में कोई मसला तो नहीं करता, ये इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, वो काउंटिंग डिपार्टमेंट के पास है। तो अब इसमें इसमें मसला क्या होगा कि अब अगर उनको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जिसे आप कहते हैं कि एक्सप्लिसिटली या स्पेशली जो है ना वो काउंटिंग डिपार्टमेंट को कहेंगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अदरवाइज इनके पास अपने पास कोई इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं है कि वो देख सकें कि ये इसने कोई पेमेंट इसने डिफॉल्ट तो नहीं की हुई या कोई और मसला तो नहीं है इसका। तो ये इस तरह के इश्यूज है वो आ सकते हैं कि क्यूरीज का एक लिमिटेशन आ जाती है ना कि आप किस तरह की क्यूरीज जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा फिर है कि प्रोलिफरेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इसके लिमिटेड होते हैं। शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो डाटा शेयरिंग इसके अंदर नहीं है, बहुत लिमिटेड डाटा शेयरिंग है। उसका सिनेरियो ये भी अभी इस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स का आपस में कोई जो है ना वो लिंक नहीं है, तो इस वजह से डाटा शेयरिंग जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं है, या अगर होगी भी डाटा शेयरिंग तो वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होती है। और उसके अलावा ये है कि मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये एक जारी बात है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मल्टी यूज़र का मतलब ये है कि एक ही वक्त में एक रिकॉर्ड है और उसको जो है वो मल्टीपल यूजर्स जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं। कुछ उसमें तो कुछ हो सकता है कि मल्टीपल एक्सेसिज उसमें जो है वो हो रही हैं, उसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ रीड के लिए हो कि वो सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं, या कुछ हो सकता है कि राइट या अपडेट के लिए भी जो है वो हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है ना ये इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इनमें इस तरह के जो सिस्टम है उसमें ये जो इश्यूज हैं इनको हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा जो है वो नहीं होता। और उसके बाद एक सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा, व्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, ये आपके वर्चुअल टेबल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर वर्चुअल टेबल्स। वर्चुअल टेबल्स का क्या मतलब, ये है कि एक जो व्यू होता है वो आपको डाटा दिखाता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी, जो क्यूरी के जरिए आप डाटा रिट्रीव करते हैं, और क्यूरी के जरिए आप एक टेबल से भी डाटा ले सकते हैं और एक से ज्यादा टेबल से भी डाटा जो है वो ले सकते हैं। तो वो डाटा आपको एक व्यू की फॉर्म में जो है वो दिखाया जाएगा। तो जो ये जैसे आपको कहा कि दिस इज अ वर्चुअल टेबल इफ एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्यूरी पर डिपेंड करता है और यूजर की प्रिविलेज पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी प्रिविलेज है, वो किस कितना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको डाटा जो है वो उसको दिखाया जाएगा। तो वो इस तरह से व्यूज की फॉर्म में दिखाया जाता है। फिर इसमें डाटा एडिटेबल नहीं होता, वो सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन उसमें कोई एडिट या उसमें कोई चेंज जो है वो आप नहीं कर सकते। तो ये इसमें जो फाइल बेस्ड सिस्टम है इसमें एक लिमिटेशन होती है कि इसमें इस तरह से मल्टीपल व्यूज जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं होते। तो इसका जो हल क्या है, हल हम क्या करते हैं कि हम एक डेटाबेस अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं, और डेटाबेस के बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इंटीग्रेटेड डेटा फाइल्स। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि डेटाबेस में सिर्फ डेटा नहीं होता है, इसमें इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा इज एक्चुअली डेटा अबाउट डेटा, जैसे अगर आपने कोई फील्ड ली है, एक कस्टमर आईडी, अभी हमने जो है ना ये देखी कि कस्टमर आईडी है, तो ये तो सिर्फ एक फील्ड होगी ना जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं। अब ये है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, किस टाइप का डेटा आप इसके अंदर जो स्टोर कर सकते हैं, नुमेरी कर सकते हैं या अल्फा नुमेरी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, डेट है, टाइम है, वट एवर जो भी है, इसकी डेटा टाइप क्या है। फिर इसके अंदर इसका जो साइज है वो आ जाएगा कि इसका साइज कितने कितने बाइट्स की है, और कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है इसके अंदर, अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए वो भी आप इसके अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसकी कोई वैल्यू रेंज दे सकते हैं, या आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो अलाउ हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं वो इसके अंदर जो है वो अलाउ नहीं है, तो इस तरह के कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी होती है जो एक्चुअली सारा आपके डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो बताती है। तो ये सारा जो है ये ओवरहेड डेटा आ जाता है। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जनरलाइज आप उसको करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको जो है वो ज़्यादा डील करते हैं, उसको आप ये नहीं करते कि आप उसको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा के बारे में बात करते हैं, आप बात करते हैं जी टेबल है उसके अंदर फील्ड्स हैं, इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट वे में बात करते हैं, उसकी फिर अंडरस्टैंड करना उसको जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो अब जो डेटाबेस अप्रोच में क्या फ़र्क है कि डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि देयर इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ शेयर्ड डेटा,
तो जिस तरह से ये हमने देखा था कि फाइल बेस में होता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी फाइल है, तो इसमें इस तरह से नहीं है। सबका सब डिपार्टमेंट्स का एक शेयर्ड उसकी कलेक्शन होगी, जो सब हर डिपार्टमेंट है वो उसी कलेक्शन में से, उसी शेयर्ड कलेक्शन में से डाटा जो है एक्सेस करेगा। और डाटा इज मैनेज बाई कंट्रोलिंग एजेंट स्टोर्ड इन अ स्टैंडर्डाइज एंड कन्वीनियंट फॉर्म। और उसका एक वे होता है, और सब जो है ना वो एक 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 फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड जो डिफाइन हुआ हुआ है उस फॉर्म में जो है वो उस डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। और इसके लिए हमें जो चाहिए, इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए होता है, जिसको कि हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हमने ना तीन चीज़ें देख ली अभी तक, एक डाटा है, दूसरा जो है वो डेटाबेस है, और तीसरी चीज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई बता सकता है जी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कि ये तीनों चीज़ें सेम है जी? एनीबॉडी प्लीज। सर, डेटा किसी टाइप की इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। उसके बाद डेटाबेस जो है वो एक रिपोजिटरी है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो समझ लें कि डेटाबेस को, जो डेटा है ना, उसको डेटाबेस में सेव करने के लिए एक सिस्टम है। हाँ जी, कुछ काफ़ी हद तक आप ठीक हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो डेटाबेस है वो क्या है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, तो उसको हम कह देते हैं, सॉरी पहले डाटा को देख लेना। डाटा हमने देखा था, दीज आर नॉन नॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको हम कह देते हैं वो डेटा है। और उस डेटाबेस को हम जब जिस तरह से मैनेज उसको हम स्टोर करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं डेटाबेस कह देते हैं। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा था। जो हमने चीज़ें अभी हमने बताई, इसके इसके रोल्स क्या हैं वो हम अभी आगे चल के डिटेल से देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि इस वेरी लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम, या प्रोग्राम तो खैर हम वो छोटा उसको हम कह देते हैं, नहीं क्या उसका मतलब है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि जो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहीं से इसका पता चल जाता है कि दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर, अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज कह लें, कि जो आपको फैसिलिटीज देता है कि आप इसके ज़रिए। अब इसके बहुत सारी चीज़ें इसकी वो आगे चल के इसके कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। और जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है, ये क्या है कि इसमें DBMS सॉफ्टवेयर प्लस डेटाबेस, तो ये फिर क्या बन जाता है, दिस इज़ योर कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम। तो इसलिए इस जो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव वो भी है कि हमने तो पहले ये देखना है कि हमने डेटाबेस कैसे डेवलप करना है, और फिर हमने थोड़ा सा ये देखना है कि हमने DBMS को कैसे यूज़ करना है। तो जब हम ये सीख लेंगे कि हमने डेटाबेस को कैसे डेवलप करना है, फिर हम ये देखेंगे कि हम उस डेटाबेस को मैनेज कैसे करेंगे यूजिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए इस कोर्स का नाम है डेटाबेस सिस्टम, नॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस वजह से इसका जो है वो ये नेम है। ठीक है, तो अब ये अप्रोच में डिफरेंस देख ले, ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले की थी। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो अब हम देख लेते हैं, कि ये देखें कि ये हमारी जिस तरह से सेल्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब अगर आप देखें तो क्या है कि ये आपका फ्रंट एंड है जो कि आपकी सेल्स के साथ डील कर रहा है, और ये फ्रंट एंड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील कर रहा है। अब यहाँ पे ये DBMS है, ये DBMS जो है ना, ये इसकी अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने यूजर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। और ये हमारा एक डेटाबेस है, दिस इज जस्ट वन वन फाइल, वन होल फाइल। तो ये अब इसमें सारा ये किस तरह से मैनेज हुआ हुआ है, यहाँ पे डाटा किस तरह से स्टोर हुआ हुआ है, इससे ये जो एंड यूजर है इसका कोई कंसर्न नहीं। एंड यूजर जो है वो, उसको ये हमने टेंशन ही नहीं दी हुई कि वो इस चीज़ को फोकस करे कि कैसे है, उसको उसको डाटा मिल रहा है, दैट्स इट, ये उसके लिए इनफ होना चाहिए। उससे पहले क्या होगा कि हमने डेटाबेस डिजाइन किया हुआ है, उसको DBMS के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमने एक्सेस प्रिविलेजेस जो है वो हमने डिफाइन कर ली हुई है, मतलब ये सब चीज़ें हमने कर ली हुई हैं ऑलरेडी, हम जो है वो कर चुके हैं। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हैं तो आप देखें कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन या रेपिटेशन जो है वो नहीं हो रही। और अगर आप ये देखें, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि हम पहले हम दो दो फाइल्स में दो प्रॉपर्टी फॉर रेंट का अलग अलग से हम उसको मेंटेन कर रहे थे, अब ये एक फाइल है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ने अगर डाटा एक्सेस करना है तो उसने भी इसी टेबल से करना है, अगर सेल्स ने करना है तो उसने भी इसी से करना है। तो दो 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 जो है, उसका उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बारी बारी जो है बार बार जो है वो उसको उसको स्टोर करने की डाटा एंटर करने की जरूरत, एक दफ़ा आपने डाटा एंटर कर लिया, दैट इज सफिशेंट।
अगर सेल्स ने एक दफा डाटा इंटर कर लिया है, वही डाटा बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये इसका जो है, ये इस अप्रोच का जो फायदा है कि जो जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होती। बाकी जो बेनिफिट्स हैं उसको भी हम आगे चल के जो है वो देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो दिस इज मोर, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक कॉमन सेंस से लगता है कि दिस दिस अप्रोच इज बेटर, और इसमें किसी भी तरह की जो अननेसेसरी जो रेपिटेशन है वो इसके अंदर जो है वो नहीं होगी, और डाटा आपका ज़्यादा जो है वो स्टेबल फॉर्म में जो है वो होगा। ठीक है, और जनरली इसको हम इस तरह से कहते हैं कि जो पूरा इन्वायरमेंट है हम उसको इस तरह से करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो आउटर रेक्टेंगल है, ये आपका समझ लें कि आपकी जो डेटाबेस सिस्टम है उसकी बाउंड्री है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनको हम फ्रंट एंड भी हम कह देते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस, हम मोस्ट कॉमनली क्या उनसे क्या करते हैं कि हम इसको यूज़र से, हम इस तरह से बनाते हैं कि यूज़र को जो सिस्टम यूज़ करना जो है वो आसान हो रही है उसके लिए। टिपिकली इसमें क्या होता है कि फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने डाटा एंट्री करनी है तो उसके लिए फॉर्म्स बने होते हैं, या PHP या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं जो कि इनको हम कहते हैं क्लाइंट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड होती है ना, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो दीज आर क्लाइंट साइड होती हैं, PHP इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उसके ज़रिए आप अपना ये फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फिर आपका जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो है, और ये सारी एक्सेस मैनेज कर रहा है, फिर उसके बाद ये आपका डेटाबेस है। तो जो इसका इस पूरी अप्रोच का जो हमें जो फायदा है वो ये है कि यूज़र जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से रिलैक्स होता है, जो आम यूज़र है उसका इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता है कि जो डाटा फिजिकली कहाँ पे स्टोर है, किस तरह से स्टोर है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से उसको सिक्योर किया जा रहा है, इस चीज़ से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। ये जो रोल है ये चंद एक बंदों का काम होता है वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो यूज़र का इसमें इसके अंदर जो है वो कोई इसके साथ कोई नहीं होता। अब ये होता है कि अगर आप भी कभी फर्ज करेंगे अगर आप अपनी ईमेल जो है वो यूज़ करते हैं जैसे, तो ये भी एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। अभी हमने जो उसकी एग्जांपल देखी जिसमें हमने देखा था कि ईमेल सर्वर है, अब आपकी ईमेल कहाँ पे स्टोर हो रही है, किस तरह से स्टोर हो रही है, किस तरह से उसको सिक्योर किया जा रहा है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। या फर्ज करेंगे जिस तरह से आपका ये जो यूनिवर्सिटी का जो आपके लॉगिन्स बने हुए हैं, जो आपके LMS के लॉगिन हैं, और ये जो आपका LMS का जो भी अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल में आपने कभी ये बॉदर भी नहीं किया होगा कि सोचे या किसी से पूछे कि ये डाटा किधर स्टोर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो कहाँ पे स्टोर है, तो इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट आपको ये है कि आपको डाटा मिल रहा है, दैट्स इट। ये जो है ना ये सिर्फ एक कंसर्न मेन कंसर्न है, इसके अलावा बाकी चीज़ों के साथ आपका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेटा डाटा की एग्जांपल है क्योंकि उसका भी हमने जिक्र किया था। रिलेशंस का यहाँ पे मुराद ये है कि टेबल को हम कहते हैं, एक टेबल जो होता है उसको हम एक रिलेशन कहते हैं। तो ये जो हम डेटाबेस जो हम आप कह लें कि जो हम ये डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिलेशन डेटाबेस, तो उसको जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट रिलेशन हैं, उनमें कितने कॉलम्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। फिर ये कि कॉलम्स की डिटेल है, जैसे देखिए कि नेम का कॉलम है, उसकी डाटा टाइप क्या है, ये लिखा हुआ है, ये जैसे 30 लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली 30 बाइट्स, तो हर करेक्टर के लिए चूंकि 1 बाइट होती है तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम आप 30 करेक्टर्स जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर जो है वो 4 बाइट का है, क्लास जो है वो एक इंटीजर है वो 1 बाइट का है, इस तरह से मेजर जो है मेजर टाइप, और इस तरह से ये किस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे देखें, दिस इज द मेटा डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें और भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये हम जब एक्चुअली डेटाबेस यूज़ करेंगे तो उस टाइम जो है वो हम इसको देख लेंगे। अच्छा, तो फंक्शनैलिटी क्या होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, और जो एक टिपिकली हम जिस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं, हम भी इसी तरह से ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में इसी तरह से होता है, मोर और लेस ये स्टेप्स होते हैं। ये बहुत ही जनरलाइज्ड है, लेकिन ये एक सारी बात है कि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो हमने बिल्कुल एक जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्पेस में कैसे जाना है, तो आप सिंपली कहेंगे जी एक रॉकेट बनाएं और उसको जो है ना फिर उसके अंदर जो है ना वो जो आपके कुछ ऐसे बंदे सेलेक्ट करें जो कि स्पेस में जा सकते हैं, तो उनको उस रॉकेट में उठाएं और उसको स्पेस में भेज दें। दिस दिस लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन इतना सिंपल जो है ये जाहिर सी बात है होती नहीं, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेटाबेस को हमने किस तरह DBMS को किस तरह से करना है, तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं।
पहले ये क्या है कि आपके पास एक डेटाबेस का डिज़ाइन होना चाहिए, ऑलरेडी ये डिज़ाइन बना हुआ हो, फिर आप उसको जो है उसकी डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट्स वगैरह DBMS के डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यह कि आपने उसको डेटाबेस को एक्चुअली क्रिएट करना है, क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो फिजिकल स्टोरेज है उसके ऊपर वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन है वो आपने करनी है। और उसमें क्या होता है कि टिपिकली उसमें तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं। बहुत कॉमन जो ऑपरेशन है वो रीड ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो राइट ऑपरेशन होते हैं कि नया डाटा आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो अपडेट होते हैं। अपडेट का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी डाटा जो लिखा हुआ है उसको जो है ना वो अपडेट कर रहे थे। चौथे नंबर पे ये होता है कि कोई डिलीट, कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है तो उसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो टिपिकली ये जो है ये चार तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो होता है रीड। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कि मोर देन 90% जो है ना वो जो भी आप क्यूरीज कर रहे होते हैं वो रीड के मुतालिक होती हैं। राइट क्यूरीज जो है वो बहुत कम होती हैं, इस तरह से अपडेट भी होती हैं काफ़ी होती हैं और डिलीट का बहुत कम होती हैं जी। तो इसके बाद जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको जो है ना वो बता दिया था। बेटा मैंने ये स्क्रीन चेंज की हुई है, अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वैसे आप पूछ लें, क्योंकि मुझे वो आपकी वो दूसरी वाली स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रही। यू कैन नॉट सी इट, ठीक है, कोई कमेंट आया है, आई डोंट नो व्हाट्स कमेंट अबाउट। क्रूड कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, हमें क्रूड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, हाँ कह सकते हैं। मतलब वो उसका डिफरेंट तरह से उसमें लोगों को, लोग उसको कह देते हैं, कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से जो है इसका जो एक इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। और इसका पर्पज़ इसका क्या है कि टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया है कि ये ठीक है जी, आपने डेटाबेस एक डिज़ाइन किया, फिर उसको आपने क्रिएट किया, फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं जो भी है। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि आप उसको, उस डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकते हैं और कौन एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये भी आपने जो है ना, ये भी आपने जो है वो करना होता है। ठीक है, एक और तरह से देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर सिस्टम have to manage data contents, manages database structure, control access to data contents, query language. तो query language इसके अंदर होती है, हम उसको भी डिटेल से देखेंगे। SQL उसको जो हम कहते हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको जो है कह देते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसको जो है वो हम कहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली इसका पर्पज़ ये है कि ये डेटा बेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए जो है वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं। वो जस्ट एक एक कह लें कि एक यूनिफाइड इसका एक एक इसका सिंटेक्स है, जिसकी वजह से जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशन है उसमें इसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो वो अगर आपने एक दफ़ा सीख लिया तो फिर आप कोई और भी अगर आप DBMS यूज़ करें तो उसमें भी आप उसी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें टिपिकली क्या होता है कि अगर आप देखें तो इसमें इस तरह से होता है कि दिस इज़ योर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सेंटर रोल प्ले कर रहा होता है और जो भी यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, वो इसी के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहे थे। कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, जिस तरह से आपका डेटा बेस स्ट्रक्चर है इसमें मेटा डाटा है और ये डिफरेंट टेबल्स हैं जो इसके अंदर मेंटेन हो रहे हैं, और डेटा बेस जो है ना वो इसको ये सारा एंड यूज़र का डाटा है। ठीक है, जो एंड जो डाटा एंड यूज़र जो है वो इंटर कर रहे हैं, और इस तरह से आप देख लें कि ये आपके एंड यूज़र्स हैं जो कि अपने अपने एप्लीकेशन या फ्रंट एंड के जरिए जो है वो इस डाटा को यूज़ करें, लेकिन कोई भी डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं करता, किसी भी टेबल को या किसी भी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं करता, इस तरह से जो है वो नहीं होता। जो भी एक्सेस होती है वो थ्रू DBMS होती है। तो ये आपको बहुत फ्लैक्सीबिलिटी जो है प्रोवाइड कर देता है, जो जो मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी होती है। यूज़र का कंसर्न सिर्फ ये होता है कि उसको सिर्फ डाटा चाहिए और उसको एफिशिएंटली मिलना चाहिए, जब वो रिक्वेस्ट करे तो उस टाइम जो है वो ज़्यादा उसको वेट ना करना पड़े और फ़ौरन जो है वो मिले और रिलायबल डाटा जो है उसको मिले, उसका कंसर्न सिर्फ इतना होता है।
अब उसको इस चीज से नहीं कंसर्न होता है कि वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है इनडायरेक्ट कर रहा है, तो दिस इज उसका ये कंसर्न उसका जो है वो नहीं है। तो ये जो उसको पॉपुलर सबसे जो मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी जो सुना होगा कि जो सबसे जो पॉपुलर है वो ये सीक्वल सर्वर है, एक्सेस है, ओरेकल है, फॉक्स प्रो है, पैराडॉक्स, बोलन इंटरबेस और साइबेस सीक्वल, इसके अलावा जो है वो माई सीक्वल जो है वो बहुत पॉपुलर है। ये अक्सर जो है वो पीएचपी वगैरह के साथ जो है। ओके, तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं डेटाबेस इन्वायरमेंट की, तो बाकी जो है ना फिर हम वो ये कि थोड़ा सा इसमें हो रहा है वो फिर हम कल जो है ना इंशाल्लाह कर लेंगे। अरे DBMS स्टैंड फॉर क्या? डेटा चलो जी बेटा बताएं, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम। मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट। लेटेंट है आज सर, सब याद आ गया शुक्र भाई, है। ये कहाँ कौन पढ़ था रहे हो वैसे, आपको ये भी नहीं पता ये कौन था वैसे यार? सर? ये मोमिन था, लेजेंड है सर, ये लेजेंड है हमारी क्लास, लेजेंड है, लेजेंड। मोमिन मोमिन है यार इसका। वैसे मुझे अभी तक याद है कि ये दो तीन स्टूडेंट थे, और ये जिसे कहते हैं ना कि उसको एक कहते हैं कि कई दफा मुझे शायद लगा कि शरीफ इनका बच्चे एडमिशन सर। कि कई दफा मुझे लगा कि इनका एडमिशन नहीं होना, लेकिन फिर हो ही गया था। मुझे तो सर एक वो से वाली एक इतना से क्लियरेंस सर, हाँ? और क्लियरेंस आ दी थी, क्लियरेंस वो क्या था? क्लियरेंस सर। हाँ नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो बात एक स्टेज पे मुझे लग रहा था कि दो तीन बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन नहीं होना, लेकिन फिर भी हो गया। सर हम दो और तीन थे, एक जुएब था, एक मैं था, और एक मैं से उमर फारूक। उमर उमर था, उमर था। नहीं, सुहेब का तो मसला और था ना कि वो उसको तो मैंने पहले ही कहा था यार तुम ओवर क्वालिफाइड हो। चलो बहरहाल सर चले मेरी भी सर, जी देखिए नहीं है, मेरा आपसे एक्सक्यूज मी सर, पीजी जी। अच्छा होके यार ये सारे देख लो, कॉलेज ये के मत पास लो, ऐसे बोलते ये हैं। बाद में, अभी बाद में पूछ लेना, बाद में पहले ये देख लो पहले। अच्छा इसमें क्या क्या एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, वो जो हमने डीबीएमएस एनवायरनमेंट देखा था कि हार्डवेयर है उसमें, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं सर्वर, ये आप अभी ये सीसीएन का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, और उसमें आप थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। मैं आपको वैसे कॉमन चीजें बता देता हूँ कि इसमें एक कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर कह देते हैं आमतौर पे, जरा ये पावरफुल कंप्यूटर होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज। मोस्ट टिपिकली क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जिनको के हम एज सर्वर यूज करते हैं, फिर इनके साथ जो है ना वो थोड़े कम पावरफुल कंप्यूटर्स जो है ना वो अटैच होते हैं, और ये जो यूजर्स हैं ये एंड यूजर्स के पास होते हैं जो कि इसको यूज कर, इनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो आमतौर पर जो आपके फ्रंट एंड हैं वो इन क्लाइंट्स पे रन हो रहे होते हैं, और बाकी जो आपका डेटा बेस DBMS और जो डेटा एक्चुअली वो इन सर्वर पे होता है, तो इसको जो है ना वो आप DB सर्वर भी कह सकते हैं इसे। तो दिस इज वेरी टिपिकल, ये जो है ना ये हमारा एक कह लें कि एक तरीका का रहा है कि इसके जरिए जो इस तरह से हम जो डेटाबेस सिस्टम है उनको हम इस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा उसमें भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका DBMS आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, नेटवर्क और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह आ गए, जो डेटा है आपका वो स्कीमा सब स्कीमा टेबल एट्रीब्यूट्स वगैरह, पीपल हैं जो कि इसके यूजर्स हैं, उसमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डिजाइनर है, डेटाबेस डिजाइनर है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एंड यूजर्स हैं, फिर प्रोसीजर्स आ सकते हैं उसमें, फिर ये होता है कि आपको कुछ पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं, स्टार्ट स्टॉप लॉग ऑन लॉग ऑफ बैकअप रिकवरी, तो ये डिफरेंट पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको डिफाइन करने हैं। इनका फायदा ये होता है कि DBMS अप्रोच का फायदा ये है कि सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं जब एक इवेंट एक कंडीशन या इवेंट तो मैच होते हैं, तो ये खुद वो खुद ही जो है ना ये ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे बैकअप है तो आप ये देख सकते हैं कि आपने डेली बैकअप करना है या वीकली करना है या जो भी है वो आप उसको उसको जो है ना वो आप प्रोसीजर बना लें, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ट्रिगर होगा और उसके हिसाब से जो है वो काम करता है। ठीक है, तो बाकी इसकी भी चीज़ें जो है थोड़े से रह गए, इसको फिर हम कल देख लेंगे, और बाकी चीज़ें भी जो है ना इंशाल्लाह फिर हम इसको जी ठीक है कल जो सर, है ना फिर हम इसको